आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है। जैसा कि हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, हम लोग भी बहुत सारे पहले से प्लानिंग करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आपने देखा है। और देखा जाए तो बहुत सीरियस भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अच्छी रैंक कैसे लाएँ, अच्छा मटेरियल क्या होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने बताई हैं, आपने सुनी है। उन सारी बातों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। बट देखा जाए तो जो टॉपिक आज दे रहे हैं, रियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही टॉपिक है। होता क्या कि बहुत सारी हॉलीडेज़, बहुत सारी छुट्टियाँ हमारे पास आती हैं, हम लोग छुट्टियों का इंतज़ार भी करते हैं, वेट करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, ब्रेक लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करेंगे, कर डालेंगे। एग्ज़ाम्पल में अभी कुछ छुट्टियाँ आने वाली हैं, नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा वेट करते हैं। दीपावली की छुट्टी को ही ले लिया जाए, 5 दिन या 7 दिन का हम लोग ब्रेक लेते हैं, उससे पहले हम लोग छुट्टियों का डेस्परेसली वेट करते हैं। छुट्टी होने के बाद हम बच्चों में देखते हैं कि एक मायूसी सी होती है, वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, दोबारा फिर से एक ब्रेक लेने के लिए या रुकने के लिए फिर सोचते हैं। इस बार आप कमिटमेंट लें इस वीडियो के बाद कि पहले से आप प्लान करेंगे कि जो छुट्टियां हैं मन से आप छुट्टियों को लेंगे। 5 डेज अगर आपने छुट्टियां ली हैं या 1 वीक भी ली हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, छुट्टी से, ब्रेक से, आराम करने से, रिलैक्स होने से पढ़ाई आपकी लॉस नहीं होती है। आप क्या करते हैं कि जब छुट्टियों को प्रॉपरली लेने के बाद भी आप रीस्टार्ट सही से नहीं कर पाते हैं तब आपको समस्या आती है। तो इस बार आपको प्रॉपरली मन से मान के छुट्टी लेनी कि मुझे छुट्टी दीपावली में मिल रही है या किसी टाइम पर हम ब्रेक ले रहे हैं, तो आप क्या करें, 3 दिन को आप मैनेज करें। उसके लिए 2 दिन पहले से प्लान करना होगा। आप कहीं बाहर हैं, आपको अपने घर पे या कहीं पर भी सेलिब्रेट करना है, आराम से इंजॉय करिए। 3 दिन आप जो जिस दिन दीपावली है या कोई भी इवेंट है उससे पहले और उसके बाद का, उस समय आप बिल्कुल कमिटमेंट लेंगे कि एक रत्ती भर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई कोई बच्चा किसी त्यौहार या किसी फेस्टिवल के लिए उसको छुट्टी मिलती है, जब वो अपने घर जाता है तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा तो पढ़ ही लेंगे, बैग पैक करता है, एक छोटे से नोट्स रख लेता है वो, फिर सोचता है कि चलो ठीक है थोड़ा और भी पढ़ लेंगे, ऐसे कर करके वो 3-4 बुक्स रख लेता है। बुक्स वो ले भी जाता है, घर पे बोलता भी है कि मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, तो घर वाले भी उसको याद दिलाते हैं कि अभी तुमने बोला था मुझे पढ़ना है, तो कहता हाँ यार पढ़ना तो है। तो वो कहीं पर भी कुछ भी देख रहा होता है, घूम रहा होता है, ऊपर बैठा है, छत पे घूम टहल रहा है, तो अपने साथ साथ बुक्स भी रखा रहता है। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान बुक्स पे भी रखता है, इंजॉय भी करना चाहता है, तो कॉन्सेंट्रेट ना तो वो फुल सेलिब्रेशन पे है और ना ही पढ़ाई कर पा रहा है, तो उस माहौल से बाहर नहीं निकल पाता है। वो एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट से बार बार से वो थोड़ा ऊब गया था, उस एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकल पाया, और ऐसे कर करके पढ़ाई के भी प्रयास में और एंजॉय करने के प्रयास में वो छुट्टियां भी चली जाती हैं। जब लास्ट दिन आता है तो उसको रियलाइज होता है कि यार हमने तो सोचा था बहुत सारी छुट्टियां होने वाली, बहुत मजा आने वाला है, अभी तो हमने कुछ कर ही नहीं पाया। तो अब जब दोबारा वो अपने डेस्टिनेशन पर लौटने वाला होता है तो अधूरे मन से या तो भेजा जाता है या वो जाना नहीं चाहता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपको छुट्टियां मिलें तो आप पहले से ही 3 दिन, 3 डेज बहुत होते हैं, 3 डेज के लिए आप फुल एंजॉय करिए, प्लान करिए कि सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं खाने पीने बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, मूवी देखने बहुत मज़ा आता है, घूमने फिरने बहुत मज़ा आता है, मैं सोना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, इस टाइप से, या मिलने से, इंट्रैक्शन से, लोगों से बात करने से, मिलने जुलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप फुल घर वालों से बोल दीजिए कि इस समय 3 दिन बिल्कुल मुझे इंजॉय करना है, बहुत सारा इंजॉय करना है। फिर कमिटमेंट भी लीजिए कि मैं फिर पढ़ूंगा तो मन से पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो रियल में जब दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार मैंने इंजॉय किया, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। कभी भी कोई भी ब्रेक होगा आप पहले प्लान आउट करेंगे, मन से ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर लौटेंगे तो मन से काम करेंगे। जितने भी लोग हैं जिनको लगता है, आपकी नज़र में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा माइलस्टोन या कुछ ना कुछ कर चुके हैं, आप उनके लाइफ के बारे में झांकिए, कहीं ना कहीं उनके बारे में पता करिए, तो वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मारते हैं।
बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, बट जब वो रहते हैं तो 100% वहाँ पर रहते हैं, और जब अपने काम पर लौटते हैं तो जुनून के साथ 100% परफेक्टली काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं तो अधूरे मन से करते हैं। इस बार आपको कमिटमेंट लेना है कि जो भी काम करना है वो मन से करना है, फुल मस्ती के साथ करना है, फेस्टिवल फुल स्पिरिट के साथ इंजॉय करेंगे। जब आएंगे तो कमिटमेंट लेंगे कि अब हमने किया था, अब मुझे पढ़ाई भी करनी है, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ, जिससे कि लगे नेक्स्ट जब आपको हॉलीडेज या ब्रेक मिले तो आपको फिर से वही मजा आने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की है, ये मैं डिजर्व करता हूँ, तो दोबारा फिर से आप इंजॉय करेंगे, तब लाइफ का जीने का मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज वर्डन नहीं है। तब आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा भी तो रिलैक्स किया जाए, वो खुद बोलेंगे कि यार कितना पढ़ाई करोगे, अब थोड़ा घूम फिर भी लो। तब आपको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स कैसे चेंज हो गए, अभी आपको लगता है कि वो मुझे खुल के जीना नहीं देना चाहते हैं, मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे दबाव, हमेशा मुझे समझते नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, कैसे उनको बता पाऊं, ये सारी चीज़ें लोड बर्डन बढ़ता जा रहा है। एक बार आप अपने स्टाइल में अपने अंदाज में जिए तो फिर आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, उनका एंगल जब चेंज होगा तब आपके अंदर एक गुस्सा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और 100% एक सफल व्यक्ति बनेंगे। ये मैसेज यहीं तक, मुझे लगता है कि शायद जो मैं बताना चाहता हूँ आपने फील किया होगा, फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। आपको लगता है कि पढ़ाई के अलावा ये जो टॉपिक लिया था कि हॉलीडेज कैसे मैनेज करें, आपको लगता है कि वाकई में कुछ आपको मिला है, तो ऐसे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो यही नहीं जानते कि मैनेज कैसे करना है। अगर वो सीख गए इस बातों को तो एक बार वो अपनी चीज़ों को परफेक्टली मैनेज करने के साथ साथ एग्ज़ाम को भी मैनेज करना सीख जाएंगे, और ये भी जान जाएंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट और क्या नहीं है। थैंक यू।